अनुग्रह वाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय येशु। फिर से हम लोग एक बार प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। आओ प्रभु के वचन को पालन करने की कोशिश करें। अनेक बार हम प्रार्थना तो करते हैं, पर हम इंसान होने के नाते प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, कि इंसान होने के नाते कि हर एक इंसान चिन्ह चाहता है। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में यही पढ़ते हैं कि परिसी और सदुकी ईसा के पास गए और ईसा से कहने लगे, आप हमें स्वर्ग में से कोई एक चिन्ह दे दो ताकि आप जान सकें आप ही मसीह हैं। आओ प्रभु येसु उनको कहता है कि शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा होगा क्योंकि आकाश लाल है, सुबह कहते हो आज आंधी पानी होगा क्योंकि आकाश लाल है और बादलों से घिरा हुआ है। यदि तुम आकाश के चिन्ह को देखते हो और उसका लक्षण समझते हो तो प्रभु कहता है कि तुम स्वर्ग राज्य के चिन्हों को क्यों नहीं समझते हो। प्रभु कहता है यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी है और एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस का चिन्ह छोड़कर इसे कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु कहता है कि योनस का चिन्ह छोड़कर इसको कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आप और मैं अच्छी तरह से योनस का चिन्ह जानते हैं कि योनस को प्रभु ने नीनवे जाने के लिए कहा था, वो तारसूस भाग गया और जिसके कारण उसको समुद्र में फेंक दिया गया और मछली ने उसको निगल दिया और निगलने के बाद मछली के पेट में वो प्रार्थना करते रहा, तड़पते रहा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये एक बार मुझे बचाइए। और प्रभु ने मछली को आदेश दिया और मछली ने उसको तट पर उगल दिया और फिर से प्रभु ने कहा जाओ। प्रभु हमें कहता है जिस तरह से योनस 3 दिन मछली के पेट में रहा, उसी तरह से कि मानव पुत्र इस धरती के पेट में 3 दिन रहेगा, कि ये चिन्ह हम सबों के लिए प्रभु ने दिया गया है। और ये चिन्ह हम जानते हैं कि आज हम यरूशलेम में जाकर देखें कि वहां पर आज भी प्रभु का कब्र खाली पड़ा है और ये सारे मानव जाति के लिए एक चिन्ह है। मुझे वहां जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि वहां पर हर रोज लाखों में लोग आते हैं इस चिन्ह को देखने के लिए। मुझे उस कब्र को देखने के लिए ये 2 मिनट देखने के लिए 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि ऐसा नहीं है कि प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने हम लोगों को चिन्ह दिया है और सारे मानव जाति के लिए वो चिन्ह है। इसलिए प्रभु कहता है योनस जैसे 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मानव पुत्र 3 दिन धरती के गर्भ में रहेगा और जी उठेगा। वो चिन्ह हमारे पास उपलब्ध है, ये इतिहास है। इसलिए हमें इस चिन्ह को देखकर विश्वास करने की जरूरत है। आज भी हजारों में लाखों में लोग वहां जाते हैं देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, पर देखकर उस पर विश्वास करते हुए उस पर जीने वाले लोग कम है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु के राज्य का लक्षण समझने की आवश्यकता है। ये बात हम लोग पढ़ते हैं, हम योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि प्रभु के पास निकोदेमुस आता है और निकोदेमुस जो है ईसा मसीह को राबी कहकर उसको प्रणाम करता है और प्रभु येसु जो निकोदेमुस को कहता है तुमको दोबारा जन्म लेना है और निकोदेमुस समझ नहीं पाता है।
और प्रभु उसको समझाता है कि हम सबों को जो है दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है। और प्रभु कहता है कि आप लोगों को एक चिन्ह दिया जाएगा। वो चिन्ह क्या है कि जिस तरह से मूसा ने उस कंबे पर सांप को लड़काया और सभी लोग मरने वाले लोग वो सांप की वो देखते थे और बले चंगे होते थे, उसी तरह से प्रभु कहता है कि मानव पुत्र को क्रूस पर टांग दिया जाएगा और जो व्यक्ति उस क्रूस की वो देखता है और विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों के लिए क्रूस एक मुक्ति का चिन्ह है। आज अनेक लोग क्रूस पर विश्वास तो करते हैं, आजकल क्रूस पहनना एक पैशन हो चुका है। कोई कोई लोग अपने कान में भी क्रूस पहनते हैं, गले भी पहनते हैं, घर में भी रखते हैं, पर हम लोगों को उस क्रूस का अर्थ समझना है और उस क्रूस से प्यार करना है। हम लोगों को पाप के लिए मरने के लिए प्रभु सिखाता है कि हम लोग जो रोमियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है। उस क्रूस पर आपको और मुझको मरना था, पर मेरे बदले और आपके बदले प्रभु यीशु मर गया है। वो हम लोगों के लिए क्रूस का एक चिन्ह है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। हमें क्रूस उठाने के चलने का मतलब है एक लकड़ी का क्रूस बनाकर कंधे पे रख के चलने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें क्रूस की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है और जीना है कि यानी हमें पाप के लिए मरना है। ये चिन्ह प्रभु हमें सिखाता है। पर आज हम दुनिया भर में देखते हैं कि पाप बढ़ता जा रहा है और कहा जाता है कि आज इंसान जो है पाप का बोध खो चुका है। आज मीडिया के कारण जो है पाप का बोध खो चुका है। एक बार मैं जो है एक जगह पर युवकों को साधना देने के लिए गया। अब साधना के समय मुझे मालूम है युवक युवतियों में कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब मैंने कहा मैं ये टोकरी रखूंगा, आप अपने सारे प्रश्न जो है लिख के इस टोकरी में डाल दो और मैं बाद में आप लोगों को उत्तर दे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारे प्रश्न लिख कर उस टोकरी में डाल दिए और उसके बाद मैं एक एक प्रश्न उठाकर उसका उत्तर देने लगा। और ऐसे समय पर ये एक प्रश्न ऐसा था कि एक ने लिखा था, फादर जी यदि एक लड़का और लड़की गजा मंदिर से संभोग करें क्या ये पाप है? मैंने सोचा ये प्रश्न का उत्तर देने के बदले मैं जो है कि बच्चों से ही पूछूंगा। बच्चों से कहा, बच्चों आप बताइए कि एक लड़का और एक लड़की गजा मंदिर से बिना जबरदस्ती से कुसी से संभोग करते हैं क्या सही है या गलत है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं देखकर चकित रह गया। कम से कम 90% बच्चों ने हाथ उठाया और कहा सही है। तो मैंने उन लोगों से एक दूसरा प्रश्न पूछा। मैंने कहा, बच्चों ये बताइए कल आपके बहन के साथ कोई ऐसा करेगा क्या सही है? वो सभी कहने लगे, नहीं 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 फादर, वो सही नहीं है क्योंकि वो तो हमारी बहन है। तो मैंने कहा कि हर एक लड़की जिस लड़के के साथ तुम ऐसा करोगे वो भी किसी की तो बहन है, वो भी किसी की तो मां है, ये बात वो भी किसी की तो पत्नी है, ये हमें जानने की जरूरत है। चाहे राजामंदी से हो, आजकल मीडिया को देखते हैं, मीडिया में नाना प्रकार की बातें सुनते हैं, इंटरनेट को देखते हैं और आज इंसान जो पाप का बोध खो चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें क्रूस की शिक्षा जानना चाहिए, वचन को समझना चाहिए, पाप के लिए मरना चाहिए और एक नया जीवन शुरुआत करना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इजाज नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु आहाज से पूछता है आज कि आप एक चिन्ह मांगो। राजा आज कहता है नहीं 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 नहीं, मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। पर प्रभु कहता है मैं खुद आपको एक चिन्ह देता हूं। ये कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। ये हम सबों के लिए एक चिन्ह है। ये कुंवारी गर्भवती हुई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है। ये कुंवारी गर्भवती हुई आज तक इतिहास में जो है कभी भी कोई कुंवारी गर्भवती नहीं हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब जकरियास को स्वर्गदूत दिखाई दिया और जब जकरियास ने एक प्रश्न पूछा और शक किया तो जकरियास को दंड मिला और गूंगा बन गया। माता मरियम ने भी एक स्वर्गदूत से प्रश्न पूछा पर माता मरियम को कोई दंड नहीं मिला। क्यों? कभी कभी हम लोग सोचते हैं माता मरियम और जकरियास के साथ जो है कि प्रभु ने भेदभाव किया। ऐसा नहीं कि जकरियास को पहले से उदाहरण थे, हम लोग जानते हैं सारा बांझ थी और वो जो है गर्भवती हुई थी। अन्ना बांझ थी, वो गर्भवती हुई थी, इसलिए जकरियास के पास पहले उदाहरण थे और इसलिए उनको विश्वास करना था। पर माता मरियम के पास कोई कि उदाहरण नहीं था, उसके पहले कोई भी कुंवारी गर्भवती नहीं हुई है और इसके बाद भी कोई कुंवारी गर्भवती नहीं हुई है। ये मानव जाति के लिए एक चिन्ह है कि प्रभु येसु का जन्म एक कुंवारी से हुआ और प्रभु ने ना केवल कहा मैं आपको एक चिन्ह दे दूंगा बल्कि हमारे सामने वो चिन्ह है माता मरियम एक कुंवारी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रभु हमेशा में चिन्ह देता है। उदाहरण के लिए जब प्रभु येसु का जन्म होता है और जब प्रभु येसु का जन्म होता है और उस समय जो है कि स्वर्गदूत गढ़ेरियों के पास आते हैं और गढ़ेरियों के पास आकर वहां पर जो है कि वो गीत गाते हैं और गीत गाने के बाद कि वो चरवाओं से कहते हैं देखो आपके लिए एक मुक्तिदाता जन्म हुआ है और आपके लिए हम एक चिन्ह देते हैं। चिन्ह क्या है? कपड़ों में लपेटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ एक बालक मिलेगा, वो आपका मुक्तिदाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमेशा हम लोगों के लिए एक चिन्ह देता है कि उस चिन्ह को देखकर हम लोग विश्वास करें। जैसे प्रभु कहता है शाम के वक्त आकाश लाल होता है, हम जानते हैं तुरंत कहेंगे हाँ आज हो सकता है आंधी आएगी। हमें चिन्ह को पहचानने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम चिन्ह को नहीं पहचानते हैं, ये बात प्रभु हमें कहता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं कि जब नूह को प्रभु ने बताया पोत बनाओ और नूह ने पोत बनाई, उसके बाद जल प्रलय आया और सब कुछ नष्ट हुआ। और जब सब कुछ नष्ट हो गया तो प्रभु ने देखा और प्रभु को भी दुख हुआ, क्योंकि प्रभु जानता था कि मनुष्य का हृदय पाप की ओर झुकाव है। ये बात प्रभु कहता है कि यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 उसकी पद संख्या 21 में पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का हृदय हमेशा पाप की ओर झुकाव है, इसलिए मैं फिर से जो इंसान को दंड नहीं दूंगा, इसलिए प्रभु आकाश पर एक धनुष का चिन्ह देता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में जब थोड़ा सा बाढ़ आने लगती है और बाढ़ के बाद जो है आकाश में एक धनुष का रंग बिरंगा
चिन्ह मिलता है। वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि आकाश में जो है पानी के कण है, उस पानी के कण से जो है सूर्य की किरणें जाएंगे और उस समय आकाश में ऐसा रंग बिरंगा धनुष दिखाई देता है। पर ये प्रभु की योजना है, हमें समझना है। हम विज्ञान के द्वारा हमारे मन को नहीं सोचें, बल्कि प्रभु के चिन्ह को देखें, हम विश्वास करें कि अनेक बार आज विज्ञान के बढ़ोतरी के कारण बहुत बार इंसान जो है कि इस बात को समझता नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, हमें चिन्ह पर विश्वास करने की जरूरत है। जो जो चिन्ह प्रभु ने दिया है उस चिन्हों को अपनाएं, ये बात प्रभु हमें सिखाता है। यदि हम लोग निगमन ग्रंथ उसके अध्याय 12 में पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ते हैं कि जब मूसा के द्वारा की मिस्र में की महामारियां भेजी और फिर भी जो है फिरौन का हृदय प्रभु की ओर नहीं झुका, उसका हृदय कठोर बन गया, तो अंतिम 10वीं विपत्ति जो प्रभु भेजने वाला था, आओ प्रभु ने कहा कि देखो कि आप मेमने को काटोगे और उसका रक्त जो है आपके चौखटों पर लगाओगे और उस घर में मृत्यु नहीं आएगी, आपका पालावटा नहीं मरेगा, ये चिन्ह होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो प्रभु यीशु ने जो है लहू बहाया, वो हमारे लिए चिन्ह है। हमें रोज हम उसको ग्रहण करते हैं, यदि हमारे शरीर पर हम उसको लगाते हैं कि हमें पापों से मुक्ति मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पापों से मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? केवल लहू लगाना नहीं, हमें जो है पापों से मुक्त होना है, पश्चाताप करना है। और इस तरह के चिन्ह प्रभु हम लोगों को हमेशा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं प्रभु के लिए एक चिन्ह है। प्रभु कहता है कि विश्वासी लोग ये चिन्ह दिखाया करेंगे, ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अब्दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे जो है विष पिएंगे कुछ नहीं होगा, सांप को उठा लेंगे कुछ नहीं होगा, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे, इस तरह की बात प्रभु कहता है। आज हम सबों को, प्रभु के हर एक विश्वासी को, कि लोगों के लिए एक चिन्ह बनने की आवश्यकता है, ना केवल चंगाई के द्वारा, बल्कि प्रभु के समान जीकर, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु के स्वभाव के अनुसार बनाकर हमें जीने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु सिखाता है। तो आज हम लोग मनन चिंतन कर देखें और अपने आप से पूछें, क्या मैं कि प्रभु का चिन्ह हूं? क्या यदि चिन्ह है, क्या मैं सही चिन्ह हूं? कभी कभी चिन्ह तो हो सकते हैं किसी का भी, पर हमें प्रभु यीशु का चिन्ह बनने की आवश्यकता है। और तब भी जो है कि हम लोग जो है प्रभु की ओर चलेंगे। यदि रास्ते में जाते समय रास्ते में कहीं गलत चिन्ह दिखाई दिया है, जहां पर मोड़ है वहां पर सीधा रास्ता करके दिखाई दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी गाड़ी का एक्सलेट राव दबा देंगे, क्योंकि रास्ता सीधा है, और हम जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। गलत चिन्ह होगा तो हम नाश हो जाएंगे, ना केवल हम नाश हो जाएंगे बल्कि दूसरों को भी नाश करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का चिन्ह बने और अपने आप को बचाएं और दूसरों को बचाने वाले चिन्ह बन जाएं। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना है, इसलिए कि प्रभु चाहता है कि हम सबके लिए एक चिन्ह बन जाएं, बचाने वाले चिन्ह बन जाएं। कि प्रभु ने हम लोगों को कितने चिन्ह दिए हैं, क्रूस हमारे लिए एक चिन्ह है, काली कब्र एक चिन्ह है, और कुंवारी के द्वारा पुत्र इस दुनिया में आना एक चिन्ह है, लहू लगाना एक चिन्ह है, कि ये सारे चिन्ह प्रभु ने हमें उपलब्ध कराए हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हमें चिन्ह की आवश्यकता है। यदि हम लोग की निगमन ग्रंथ उसका अध्याय 31 उसकी पद संख्या 13 में पढ़ेंगे, हम लोग निगमन ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, तुम इस्राएलियों को आदेश दो कि वे मेरा विश्राम दिवस मनाएं,
क्योंकि वह उनके लिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक चिन्ह है कि मैं वह प्रभु हूं जो उन्हें पवित्र करता हूं। यहां पर प्रभु हम लोगों को एक चिन्ह देता है। चिन्ह क्या है? इतवार, प्रभु का दिन। प्रभु के दिन में हर एक व्यक्ति विश्वासी की चर्च जाए। आजकल हम लोग देखते हैं कि चर्च धीरे धीरे खाली होती जा रही है। यदि हम विदेशों में जाएं, विदेशों में केवल कुछ बुजुर्ग लोग दिखाई देते हैं। आज पल भारत में भी हम लोग जाएंगे, भारत में हम लोग देखते हैं कि गिरजाघरों में से हमारे युवक और युवतियां गायब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्रिस्तिया है, आप विश्वासी हैं, तो क्या चिन्ह है? एक चिन्ह है। जब हर एक व्यक्ति इतवार के दिन तैयार हो जाता है और हाथ में एक बाइबल पकड़कर चर्च जाने लगता है, उस समय सारे पड़ोसी देखते हैं, देखो ये क्रिस्तिया है, ये एक चिन्ह है। क्या हम लोगों के लिए चिन्ह बन गए हैं? ये बात हमें जानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज विशेष रीति से आपको बताना चाहता हूं कि हर एक दिन जो है कि हमें प्रार्थना करना है, पर विशेष रीति से इतवार का दिन जो हम सबों के लिए प्रभु का दिन है। आज बहुत सारे लोगों के लिए इतवार जो है छुट्टी का दिन बन गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं संडे इज ए हॉलीडे। मेरे प्रिय भाई बहनों, संडे इज नॉट ए हॉलीडे, बट संडे इज ए होलीडे, पवित्र दिन। इसलिए कि प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ में हमें बताता है कि हमें प्रभु के दिन को पवित्र करना है। इसलिए जो काम है, हम लोग जो है शनिचर के दिन अपना काम करें, और शनिचर के दिन काम करते हुए कि हम लोग इतवार के दिन जो चर्च जाएं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने इज़राइली लोगों को मन्ना गिराया, और मन्ना गिराने के बाद प्रभु ने कहा, देखो आप लोग जो है हर रोज जितना चाहिए उतना ही इकट्ठा करो। और लोगों ने क्या कर दिया कि लोगों ने सोचा कल नहीं गिरेगा तो क्या होगा, इसलिए उसने दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा किया। और दूसरे दिन देखा जो इकट्ठा हुआ था वो सड़ गया। और उन लोग, प्रभु ने कहा शनिचर के दिन, प्रभु के दिन के पहले दिन आप दो गुना इकट्ठा करो क्योंकि कल नहीं गिरेगा। लोगों ने सोचा हमने पहले तो इकट्ठा किया था, वो सड़ गया था, इसलिए उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इकट्ठा नहीं किया विश्राम के दिन के लिए। तो क्या हुआ कि विश्राम के दिन मन्ना नहीं गिरा और कुछ लोग भूखे गए। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो इतवार के दिन चर्च नहीं जाता है वो भूखा रहेगा। आज हम लोग गरीब क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, उसका एक कारण ये है। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि विश्राम का दिन आशीष का दिन है। हम चर्च जाएं, हम प्रार्थना करें और आशीष पाएं और दूसरे लोगों के लिए हम एक चिन्ह बन जाएं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु आज हम लोगों को सिखाता है, ना केवल यीशु मसीह हमारे लिए चिन्ह है, बल्कि हम आज के समाज के लिए एक चिन्ह बन जाएं। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से हम इस वक्त प्रार्थना करें, हाथ जोड़े आप प्रार्थना करें और कहें, ये प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आप हम सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए एक चिन्ह बन गए। उसी तरह से प्रभु हम भी एक दूसरे के लिए एक चिन्ह बन सकें। प्रभु हमें चिन्ह बनने की कृपा दे, ताकि हमको देखकर सभी लोग तुझे जाने और तेरे पास आए। ये प्रभु हमें इस्तेमाल कर, यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तेरा अनुग्रह।